नमस्कार, हम बात कर रहे थे निशान जयंत। सवाल हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, कह दे कि दो बिंदु हैं ए और ए बी, आपको कह दे कि इसके निशांक 2.3 है, इसके हमें मालूम है नहीं है, जबकि ये कह दे कि ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशांक, मध्य बिंदु के निशान आपको कह दे 2.-1 है, तो 2.-1 है तो बी के निशान ज्ञात कीजिए। ए और बी तो क्या हुआ सिरे, और ये क्या आपके पास मध्य बिंदु है, मान लो वो बिंदु हमारे पास क्या है पी। फिर बोल रहा हूं कि दो बिंदु क्या है, दो बिंदुओं में से एक सिरे के निशान दे दिए और साथ में दे दिया उसका मध्य बिंदु, तो कह दे कि दूसरा बिंदु निकाल के दिखाओ। अब पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, तो यहां क्या रहेगा मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, देखो P के लिए क्या हुआ x1+x2/2, y1+y2/2, ये तो क्या हुआ हमारे पास x1 y1, ये हमारे इसके निशान क्या होते हैं x2 और y2 होते हैं जो हमें ज्ञात करने हैं। ये क्या आपके पास है, देखो ध्यान से, ये तो हमारे पास P है, जबकि हमें P दिया हुआ है, यानी कि आपको ये किसके बराबर है आपके पास 3.-1 के बराबर है। पहले वाला मान किसका है 3, पहले वाले मान क्या है आपके पास है 3 है इसके लिए, और दूसरे वाले के लिए मान कितना है आपके पास है -1। 3 तो वैसे से x1 का मान आपको दिया हुआ है 2+x2 हमें ज्ञात करना है -1, y1 का मान आपको दिया हुआ है 3, y2 का मान आपको ज्ञात करना है -2, इसका ऐसे गुणा कितना है 6, ये प्लस कर रहा है तो माइनस बराबर में x2, कितना हमारे पास आया 4। इसी प्रकार देखो इसका गुणा होता है इसके साथ कितना था -2, ये प्लस कर रहा है तो -3 बराबर में y2 जो क्या आता -5, मतलब दूसरे सिरे के निशान क्या आते हैं 4.-5। आप निकालना चाहते वापिस तो कैसे निकलते, देखो आप 4 और 2 6, आधा कितना होता है 3, 3 और -5, -2 का आधा कितना हुआ -1। आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा उत्तर सही है फिर गलत। अब सवाल आता है इस प्रकार का ही, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है मालूम है, उनके आपको क्या मध्य बिंदु दिए होंगे, आपको क्या दिए होंगे मध्य बिंदु, जैसे मान लो आपके पास ये त्रिभुज है, नाम दिया ए बी और ए सी, अब इन तीनों में निशान तो होंगे, लेकिन हमें इनके तीनों के निशान ना देके इनके मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निशान दे दिए, क्या दे दिए इनके मध्य बिंदु के निशान दे दिए, और हमसे पूछ रहे हैं कि त्रिभुज के शीर्षों, त्रिभुज के शीर्षों के आपको निशान ज्ञात करने हैं, जिसे मान आपको दे दिया 1.2 और ये भी आपको 0.1 और आपको दे दिया ये वाला ऐसे, ये आपको बिंदु ऐसे दे दिए कि 1.2 है इसका ए बी का मध्य बिंदु और आपको बी सी का मध्य बिंदु दिया 0.-1 और क्यू का मान दे दिया आपको 2.-1 दे दिया। फिर हमें कह दे कि आपको ए और बी और सी के निशान ज्ञात करने हैं, तो देखो ध्यान से, आप देखो इसको मान लेते हैं, इसके मान लिए निशान x1 और y1 मान लिए, इसके मान लिए x2 और y2, इसके मान लिए x3 और y3, यानी कि आपको 6 मान ज्ञात करने हैं, कितने मान ज्ञात करने हैं 6, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 और y3। स्वाद तो सब बड़ा हो जाएगा, देखो आप कैसे करें इसको, अब देखो इसमें आप किसका मान दिया हुआ है मध्य बिंदु का, किसके जैसे मान लो कह सकते हैं आपको दिया हुआ है कि P A B का क्या है मध्य बिंदु
है। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, एक्स वाला उनके मानों का योग बटा में दो, वो आपके पास क्या आता है एक्स वाला मान। अब मध्य बिंदु के लिए ध्यान से देखोगे तो एक कैसे निकलता, जब हम एक्स वाले मानों का योग करके उसमें दो का भाग देते, मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू बटा में दो करने से हमें किसका मान प्राप्त होता, इस वाले का मान जो हमें क्या दिया हुआ है एक दिया हुआ है। इसका पीछा भुला करते तो हमारे पास क्या आता एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर में दो, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे निकाला दो निकालना चाहते वाई का मान निकालना चाहते तो क्या करते हैं, दोनों सिरों के वाई वाले मानों का योग, वाई वाले मान कौन से वाई वन प्लस वाई टू बटा क्या आता दो बराबर में कौन है दो, लेकिन क्या हुआ यहां से दिशा गुणा हो जाएगा यहां क्या आया था कि हमने आप चार, ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई दो बन गई। इसी प्रकार क्या होता इनकी बात करते यानी कि एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटा में दो आता, लेकिन करने पर कौन प्राप्त होता हमें जीरो प्राप्त होता। अब दो किसी गुणा होगा जीरो के साथ तो क्या हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा जीरो ही प्राप्त होगा, ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारे पास से तीन हो। इसी प्रकार आप यानी कि माइनस का एक ये वाई वाले मान कब प्राप्त होता, जब हमें वाई वाले मानों का योग करके दो का भाग लेते, मतलब वाई टू प्लस वाई थ्री बटा में दो आता तो उत्तर क्या आती माइनस का एक आता, लेकिन दो नीचे तुच्छा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का दो, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया चार। फिर देखो उसकी बात करते हैं क्यों लेंगे, उस वाले में क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री एक्स वन प्लस एक्स है थ्री बटा में दो करते तो कौन प्राप्त होता आपको दो प्राप्त होता, लेकिन दो नीचे पीछा गुणा करेंगे तो कितना गुणा में आएगा चार हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारे पास है चार। ठीक है फिर इसी प्रकार देखो आप इसकी बात करते हैं यानी कि एक्स वन प्लस एक्स थ्री बटा में दो लगाते तो क्या प्राप्त होता है माइनस का एक प्राप्त होता, अब दो का गुणा करते कितना माइनस का दो प्राप्त होता, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आपके पास है छह। अब छह मान क्या करते हैं छह हमारे पास से समीकरण है, पहले हम एक्स वाले मान क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं एक्स वाले मान क्या करते हैं देखो बाय इक्वेशन थर्ड, इससे क्या हुआ एक्स थ्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं या एक्स टू बराबर क्या लिखना चाहते हैं लिख लो आप, एक्स टू बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का एक्स थ्री लिख सकते हैं, सही ना, यहां से क्या हुआ ये प्लस कह रहा है तो क्या हुआ माइनस, ये मान का रख देता हूं मैं इक्वेशन एक में, आप इसे बाय इक्वेशन है फर्स्ट ये मान उठाया इसमें रखा मैंने यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू की जगह क्या लिख दिया मैंने माइनस का एक्स थ्री बराबर में कितना दो, ये इक्वेशन नाम दिया मैंने इसको सात। अब इसमें और इसमें बात करते हैं पांच और सात लिखते हैं बाय इक्वेशन फिफ्थ एंड सेवन, तब क्या होगा देखो ध्यान से, अब क्या करता हूं मैं इनको जोड़ देता हूं, क्या करता हूं इनको जोड़ देता हूं आप इसे लिख देना पांच प्लस सात से, तब क्या होगा देखो ध्यान से लिखते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री बराबर क्या हुआ चार, यहां एक्स वन माइनस एक्स थ्री बराबर कितना हुआ दो, मुझे जोड़ना है जोड़ेंगे तब तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे क्या हुआ टू एक्स वन बराबर में कितना आया छह, तो एक्स वन बराबर कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा, ये गुना में कितना आ जाएगा भाग। अब मेरे पास किसका मान आ चुका है एक्स वन का मान आ चुका है, एक्स वन का मान कहा रख दू मैं पहले समीकरण देता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स वन का मान हमारे पास तीन है तो एक्स टू बराबर कितना हो गया दो, ऐसे तो x2 बराबर क्या होगा मेरे पास दो माइनस तीन यानी कि x2 बराबर कितना आया मेरे पास माइनस का एक आ गया। ठीक है फिर देखो यहां से बात कर लेते हैं, फिर देखो नहीं तो आप वापिस तीन देख लो चाहे इसमें लो चाहे इसमें चलो इसमें देते हैं बाय इक्वेशन थर्ड, x2 का मान माइनस का एक प्लस का x3 बराबर में जीरो, तो क्या होगा x3 बराबर ये माइनस कर रहा है तो क्या हुआ प्लस, अब हमारे पास क्या हुआ x के तीनों मान हो चुके हैं, x1 का मान भी आ चुका है x2 का मान भी आ चुका है x3 का मान भी आ चुका है, x1 का मान तो कितना है हमारे पास तीन और हमारे पास x2 का मान कितना है माइनस का एक, x3 का मान कितना है हमारे पास है एक आ गया, ये तो मान किसके हो गए x वालों के, अब बात करते हैं y वालों की, इसकी बात करते हैं y वालों की, तब देखो
आप तरीका वही, आप क्या करो यहां से किसी का मान निकाल लो और इसको उठा लो, यहां से निकालो किसी भी निकालो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो ये वही काम करते हैं, इससे निकालते हैं, हमने यहां से निकाला y2 का मान, y2 का मान निकालेंगे, प्लस कह रहा है तो माइनस का, पहले देखिए माइनस का कौन है, माइनस का दो पहले से ही है, तो यह माइनस का वाई थ्री, ये वाला इधर आ गया माइनस का वाई थ्री। अब ये मान क्या करता हूं मैं इक्वेशन एक में, इक्वेशन दो में रख देता हूं। इक्वेशन दो में क्या हुआ, y2 का मान रखने पर तो क्या हुआ, y1 y2 का मान रख रहा हूं तो क्या हुआ है, वो माइनस का दो माइनस का y3 बराबर कितना हुआ चार। अब देखो यहां से आया y1 माइनस y3 बराबर में, देखो ये माइनस का इधर है तो प्लस का, प्लस के पहले से चार है, चार और दो कितने हो गए छह, ये इक्वेशन नंबर हो आठ हो गया। अब इक्वेशन कौन सी, छह प्लस आठ से, छह प्लस है आठ से, तब क्या होता है, देखो y1 प्लस y3 बराबर माइनस का दो, फिर y1 माइनस y3 बराबर में क्या हुआ छह, ये तो कितना हुआ टू वाई वन, ये तो क्या हुआ इसमें घट जाएगी और हमारे पास है नहीं बचेगा इसमें से y3, तो ये क्या हुआ आपके पास माइनस का दो, जोड़ना है इसलिए क्या बचा हमारे पास है चार बचे गया, तो y1 बराबर कितना आया हमारे पास है दो आ जाएगा, क्योंकि दो नीचे चले जाएगा इसके बाहर, ये तो हुआ हमारे पास y1 का। अब ये कहां रख दो, इक्वेशन दो में रखते हैं इसका मान यहां बाय इक्वेशन सेवन, तो y1 का मान दो प्लस y2 बराबर है चार, y2 ये प्लस कह रहा है तो माइनस, यानी कि चार माइनस है दो, y2 का मान कितना आ गया वो भी दो आ गया। आप किसका मान निकालना चाहते हो, y3 का, तो बाय इक्वेशन फोर, तो y2 का मान कितना है दो प्लस y3 बराबर माइनस का दो, तो आपके पास क्या हुआ y3 का मान क्या आ जाएगा माइनस का दो, ये प्लस कह रहा है तो माइनस का दो, y3 बराबर माइनस का चार, तो आपके पास क्या आया दो दो माइनस चार, यानी कि दो दो माइनस चार, ये आपके पास क्या हो गए, इसे त्रिभुज के निशान के हो चुके, हमें दिया क्या था त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए थे, हमने क्या किया त्रिभुज के शीर्षों के निशान के ज्ञात किए हैं।